ये फरमाया गया कि जितने भी अंबिया आए सब ह्यूमन थे, कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं था। इसलिए कि लोगों को ये एतराज होता था कि एक इंसान नबी कैसे हो सकता है। पहले ये एतराज होता था कि इंसान बशर नबी कैसे हो सकता है, और आज ये कहा जाता है कि नबी बशर कैसे हो सकते हैं। पहले लोगों को ये एतराज था कि एक इंसान एक बशर नबी कैसे हो सकता है। मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम तो तुमको एक अपनी तरह का इंसान देखते हैं। तो पहले लोगों का एतराज यह था कि यह इंसान है, इस वजह से नबी नहीं हो सकता, और अब के लोगों का एतराज है कि यह नबी है, इंसान नहीं हो सकता। तो अब उसमें ताबीलें होती हैं, वो नूर के बने हुए हैं तो ऐसा है तो वैसा है, और जब कुछ नहीं बन पड़ता तो दोनों को मिला देते हैं, नूरी बशर है, नूरी बशर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जितने अंबिया किराम आए सब के सब ह्यूमन थे, कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं था, कोई भी फौकल बशर नहीं था, सारे के सारे बशर ही थे। और अगर यकीन ना आता हो तो अहले जिक्र से पूछ लो। फरमाया गया फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो अहले जिक्र से पूछ लो। अहले जिक्र से मुराद यहां अहले किताब हैं, तौरात और इंजील वाले। इस आयत करीमा से तकलीद को कशीद करने की कोशिश की गई है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो किसी इमाम के मुकल्लिद बन जाओ। इस आयत करीमा से तकलीद पर इस्तिदलाल दर हकीकत इस आयत करीमा में थरीफ है, इसलिए कि तकलीद नाम है किसी मुअय्यन शख्स की इत्तेबा या उसकी तरफ मंसूब फिक्र को वही इलाही समझ करके मान लेना। किसी मुअय्यन शख्स की इत्तेबा और उसकी तरफ मंसूब फिक्र को वही इलाही समझ करके मान लेना, ये तकलीद है। अब बताइए तकलीद एक मुअय्यन शख्स की होती है, और यहां आयत करीमा में कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो तुम किसी भी जानने वाले से पूछ लो। यहां बात उमूमी तौर पर कही गई है कि इल्म ना हो तो किसी भी आलिम से पूछ लो, यहां किसी मुअय्यन आलिम की बात नहीं कही गई है कि फला मुअय्यन आलिम ही की बात को मानना। तो इस आयत करीमा से तकलीद पर इस्तिदलाल कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात यह, यहां कहा गया है कि अहले किताब के उलमा से मालूम करो। जाहिर है कि अहले किताब के उलमा का जो हवाला दिया गया है कि वो इंजील से दलील दें, तौरात से दलील दें, तो ऐसे ही अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उलमा से पूछो और किताब और सुन्नत की दलील उनसे मांगो। इस आयत करीमा से तकलीद का इस बात नहीं बल्कि तकलीद की नफी होती है। तो अगर तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बातों पर कि नबी इंसान ही होता है तो अहले जिक्र से पूछ लो, ये बताएंगे कि जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में आए सारे के सारे ह्यूमन थे, कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं था। और फिर उसके बाद अंबिया इकराम के बशर होने की दलील दी जा रही है, वमा जअलनाहुम जसदल ला याकुलून अत्ताम वमा कानू खालिदीन, कि जितने भी बदन दुनिया में है किसी बदन को हमने ऐसा नहीं बनाया कि वो खाना ना खाता हो। दुनिया में जितने भी इंसान हैं जिनके पास बदन है वो सारे के सारे बदन खाने के मोहताज हैं, और हमने उनमें से किसी को हयाते अबदी नहीं दी। सारे के सारे पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और एक दिन उन्हें मौत आ जाती है। तो ये पैदा होना, खाना पीना और मर जाना, दर हकीकत ये बशरियत की दलील है, ये बशरियत के औसाफ है, ये औसाफे बशर हैं। और इसी से ये नुक्ता भी मालूम हुआ कि
حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے بھی کھانا کھایا، پانی پیا، ایک دن ان کو بھی موت آ گئی۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب بھی حضرت خضر زندہ ہے، یہ عقیدہ نص شرعی کے خلاف ہے، نص شرعی سے ثابت نہیں ہے۔ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو جنگل کے اندر وہ راستہ بتاتے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے۔